तो पूरे भारत में जेल को जेल न बोलकर सुधार गृह कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक बंदी को अपराध से दूर करने के लिए प्रेरित भी किया जाने वाला नियम निर्देश है। इसके साथ ही हर जगह में जेल में नशा मुक्ति और योग जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी बंदियों को आपराधिक प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाकर एक सभ्य नागरिक बनाने का प्रयास भी किया जाता है। वहीं इन सब बातों से परे उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में करोड़ों के घोटाले का जो मामला सामने आया है वह बागर द्वारा खेत खाने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, जेल अधीक्षक उषा राज के राज में सभी नियम निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर अवैध वसूली तथा भ्रष्टाचार का जो खेल किया गया है वह अक्षम्य अपराध बताया जा रहा है। वहीं जेल में उषा राज के कार्यकाल में जिस तरह के कर्मकांड किए गए हैं उसके निशान आज भी जेल में मौजूद हैं। भैरवगढ़ की जेल फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों के घपले घोटाले व भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हो चुकी भैरवगढ़ जेल की जांच में उपरोक्त बिंदुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जिसके चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। शासन और जेल अधिकारियों द्वारा जेल को सकारात्मक सुधार गृह बनाने के प्रयास, पहल तथा बजट भ्रष्टाचारी किस तरह निगल जाते हैं यह हकीकत महाकाल की नगरी उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में देखी जा सकती है। और वहीं जेल अधीक्षक उषा राज ने जेल को अंधेर नगरी बना डाला है और खुद चौपट राजा बन गई हैं। अपने वरिष्ठों और जनप्रतिनिधियों को हर तरह से संतुष्ट रखने का दावा करने वाली अधीक्षक उषा राज ने भ्रष्टाचार का नया इतिहास रच दिया है। यहां सामान कैदियों का शोषण देख सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं रुपए खर्च करने वाले और रसूखदार के लिए जेल में हर तरह का साधन सुविधाएं उपलब्ध है और सामान्य बंदियों के लिए यह जेल यात्रा गृह से कम नहीं है। भैरवगढ़ जेल को सेवक और समर्पित अधीक्षक सहित ईमानदार स्टाफ भी चाहिए। साथ ही वस्तुओं का निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सहित ईमानदार अधीक्षक प्रबंधन से ही यहां सुधार की उम्मीद की जा सकती है।